नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में वेदांता को डिस्कस करेंगे। वेदांता के एमडी ने अगेन एक बड़ी बात कही है। वैसे तो वो बरबोले बातों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन अगेन चूंकि वो प्रमोटर हैं वेदांता के और उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है जिसके कारण 3% की आज तेजी दिखी। तो एपिसोड में आगे बढ़े उससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। इस समय अगर वेदांता को देखें तो अपने 52 वीक हाई के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम प्राइस के आसपास ट्रेड करते दिख रहा है। वेदांता में अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा, वेदांता प्लान्स इन्वेस्टमेंट वर्थ 20 बिलियन इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 4 ईयर। लगभग लगभग जो है 1,60,000 जो 1,60,000 करोड़ निवेश की बात नेक्स्ट 4 ईयर के लिए कहा जा रहा है। द इन्वेस्टमेंट वुड बी फोकस्ड इन टू द ग्लास एंड सेमी कंडक्टर बिजनेस, इंटेंसिफाइंग इन्वेस्टमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक साइड अमोंग अदर्स। यानी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बात की जा रही है उसको फोकस किया जा रहा है। वेदांता इज लुकिंग टू इन्वेस्ट $20 बिलियन इन इंडिया अक्रॉस ऑल इट्स बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। चेयरमैन अनिल अग्रवाल सेड ऑन मई 1 ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द कंपनी ननद घर अ सोशल इनिशिएटिव अंडर द फिलैंथ्रोपिक आर्म ऑफ द माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट द इन्वेस्टमेंट कम्स एज द कंपनी इज बैंकिंग ऑन द अपसाइड इज कमोडिटी प्राइस टू पॉप अप ग्रोथ ग्रोथ इन इंडिया इज ट्रेमुलस एंड इट्स डबल इज। ये वही कॉमन बात, मतलब ये समझिए कि लगभग 1,20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को लेकर के कंपनी ने कहा। अग्रवाल ऑल्सो फ्लैग दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी फोकस्ड इनटू द ग्लास एंड सेमी कंडक्टर बिजनेस, जो कि पहले ही हमने आपको कहा। इंटेंसिफाइंग इन्वेस्टमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक साइड अमंगस्ट अदर बिजनेस व्हेन आस्क्ड अबाउट एन अपडेट द कंपनी प्लान्स ऑन इट्स सेमी कंडक्टर प्रोजेक्ट। अनिल अग्रवाल सेड वी गॉट अ लैंड इन गुजरात बट वी नीड टू फाइंड द बेस्ट पार्टनर। मतलब उन्होंने कहा कि जो सेमी कंडक्टर उसके लिए जमीन तो हमने ले लिया, अब एक अच्छे पार्टनर के इंतजार में बैठे पड़े हैं। डिलीवरी देखें तो बेटर दिख रहा है, टेक्निकल ट्रेंड देखें तो आउट परफॉर्मिंग दिख रहा है, वॉल्यूम देखेंगे तो 1.3 करोड़ के आसपास का, और टेक्निकल ये देखें ये यहां से लगभग कितना परसेंट, 42%। ये क्या रहा था, रिसेंट का एक कंसोलिडेट जोन रहा था, यहां से 42%। और अगेन देखिए जो भी नॉइजेस रहे उसके ऊपर की क्लोजिंग रही। अब मैं इसमें अगर आपको एक बार मंथली ट्रेंड दिखा दूं तो आपको और भी बेटर चार्ट देखने को मिलेगा। मंथली ट्रेंड पे देखेंगे ये ऑल टाइम हाई के आसपास का प्राइस है, लगभग लगभग 440 ये वाला सॉरी 470 500 के आसपास का लेवल देखेंगे तो हाँ, इसने ये वाला जो लेवल है ये वाला लगभग 350 से लेकर के 410, ये 350 से 410 पे पहला एक बार ये अपर साइड, फिर 2, 3, 4, 5 ये सभी रेजिस्टेंस जो थे वो हटते हुए देखें, और स्लो एंड स्टेडी ये स्टॉक 500, 520 प्लस तक के लेवल्स नेक्स्ट 3 to 9 month में दिख सकता है। टेक्निकली वीकनेस तब तक नहीं आएगी जब तक ये स्टॉक ये वाला लेवल यानी 382 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है। मेरे व्यूज काफी स्ट्रॉन्ग है और स्लो एंड स्टडी अपर साइड के ट्रेंड देख सकते हैं।